अंधेरीपुर के ट्यून आरकेडी विंग ग्राउंड फ्लोर अपोजिट मरोल पोस्ट ऑफिस मिलिट्री रोड पर 2004 में बनी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर 2300 स्क्वायर फीट का गाला 2014 जनवरी में रविंद्र सिंह सेट्टी जी से 2,60,00,000 रुपए में दयानंद जोशी जी, जो कि एक NRI हैं और वे वियतनाम एयरलाइन के पायलट के तौर पर काम करते हैं, उन्होंने यह गाला खरीदी की एवं टीटन कंस्ट्रक्शन के बिल्डर एलियास पटेल द्वारा NOC सर्टिफिकेट 2310 स्क्वायर फीट का दिया गया, लेकिन ना मुझे यहाँ पर 2310 के स्क्वायर फीट का गाना मिला जबकि गाले की जगह 2030 स्क्वायर फीट है। जब मैंने इसी तकरार अंधेरी के पुलिस स्टेशन में की तब से बिल्डर एवं BMC के कुछ भ्रष्ट अधिकारी मुझे अलग अलग तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने BMC के अधिकारियों से कहा कि बिल्डर OC इसीलिए नहीं दे रहा है कि उस बिल्डिंग के टेरेस पर इनलीगल तरीके से मोबाइल टावर लगाए गए हैं जो कि गैर कानूनी है एवं टावर की संख्या 8 से 10 है और इन सभी टावर कंपनियों से बिल्डर को हर महीने लाखों रुपए का भाड़ा मिल रहा है और इसी बिल्डिंग के नीचे बच्चों के लिए बिल्डर द्वारा बनाई गई जगह पर नर्सरी में 60 से 70 बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, यह जगह भी बिल्डर ने भाड़े से दे रखी है। इसी प्रकार बिना BMC की परमिशन के एवं इन्हीं लोगों की मिली भगत से कंडल्स एंड केयर नाम के नर्सिंग होम चलाया जा रहा है, यह जगह भी बिल्डर द्वारा भाड़े से दी गई है। इन्हीं कारणों से बिल्डर BMC से OC की मांग नहीं कर रहा है ताकि उसके गैर कानूनी तरीके से चल रहे कारोबार का खुलासा न हो जाए। इसी प्रकार NRI दयानंद जोशी जी का कहना था कि सर पहले तो ये बिल्डिंग 2004 में तैयार हो गई है और आज तक इसे OC नहीं मिला है। इसी के सिलसिले में मैंने BMC से पूछा कि क्या कारण है जो इस बिल्डिंग को OC नहीं दी गई है। उसके अतिरिक्त जो जवाब मिला है कि आप आइए फाइल देख लीजिए। मैं जाके मिस्टर रसूल साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनसे मिला, काफ़ी कुछ बात हुई हमारी। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि सर क्या क्या कारण है बताइए, हम सब सोसाइटी वाले बिल्डिंग वाले मिल के उसको पूरी करने की कोशिश बिल्डर से बात करेंगे। उसके बदले में तुरंत वहाँ से BMC ऑफिस ने आर्किटेक्ट और बिल्डर को सब बता के आज सारे नोटिसेस आप देख रहे हैं मेरे दरवाजे के पास, मैं बाहर था, ये देख रहे हैं आप। पहला नोटिस लिखा गया है कि 17 मार्च को किसी ने कंप्लेंट किया और 28 मार्च को यहाँ नोटिस चिपका दिया गया और मेरे जवाब देने के बावजूद मेरे भाई ने सारे कागज़ जमा किए, अप्रूवल प्लान सारे जिम के एकदम वर्बेटिम क्लियरली लिखा गया है कि ये कन्वर्सन ऑफ जिम है 2004 में। 2006 में भी नोटिस आया गया था और 2006 में इसका उत्तर दिया गया है। BMC अधिकारी ने न देखते हुए अपनी खुद की फाइल नोटिस दे दिया और नोटिस देने के बाद उन्होंने स्पीकिंग ऑर्डर भी लगा दिया। ये स्पीकिंग ऑर्डर 24 तारीख को कागज़ जमा करने के बाद 26 तारीख को यहाँ ला के लगा दिया गया, पहली बात। सेकंड थिंग, OC नहीं लाने का कारण बाद में हमें यह पता चला कि यहाँ पर कई कई तरीके बिल्डर की आमदनी हो रही है, आर्किटेक्ट की आमदनी हो रही है। मैंने बिल्डिंग प्रपोजल अपने मिस्टर वटवे साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप आर्किटेक्ट का लाइसेंस रद्द करवाइए, बिल्डर को ब्लैकलिस्ट करवाइए। उसके बदले में उन्होंने रातों रात बैठ के 10 दिन के अंदर सारे जितने इल्लीगल है, यहाँ बाजू में जो मेरा गाले के बाजू में एक दवाखाना है जिसका नाम है कडल्स एंड केयर, ये जगह जो है ग्राउंड फ्लोर में मेरे साइड में है, इस जगह पे अस्पताल नर्सिंग होम जो बच्चों का है 24 घंटे चलता है, वहाँ पर 10 ऑक्सीजन बॉटल रखे गए हैं बड़े बड़े जिसका कोई परमिशन नहीं है। और ये जानकर कि जो वार्ड ऑफिस में है, जो लोकल वार्ड ऑफिस में, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई परमिशन नहीं दिया गया है और ये जगह बिल्डर की है। 2010 सितंबर को ये लीज दिया गया है कडल्स एंड केयर डॉक्टर अतीश लडाट को। इसके बाजू में जो प्ले स्कूल है बच्चों का, जहाँ पर कुछ 70 से 80 बच्चे आ रहे हैं, वहाँ पर प्ले स्कूल चल रहा है, पहले यूरो किड्स था, अब वहाँ पर वंडर किड्स दिया गया है, तो ये जगह भी बिल्डर की है। इसके बारे में मैंने कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने का कारण ये था कि BMC को लॉस हो रहा था। जब मैं प्रॉपर्टी टैक्स भरने गया वहाँ पर पता चला कि इनकी प्रॉपर्टी टैक्स 0 दिखाई जा रही है और वहाँ पर लिखा गया इनकम्प्लीट रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। तो जब इनकम्प्लीट रेसिडेंस होता है तो उसकी भी कैसे OC की मतलब हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो जब बिल्डर BMC को मैंने काफ़ी लिखा, BMC विजिलेंस ने यहाँ पर अंधेरी ईस्ट को लिखा, फिर बाद में एक कोई एडवोकेट है उन्होंने भी कंप्लेंट किया गॉडफ्री पेमेंटा। तो उसके बाद 4 दिसंबर से यहाँ पर चालू किया प्रॉपर्टी टैक्स लगाना, वो भी जगह कम दिखा के, और ये सबको एक ही दिन में या 15 दिन के अंदर MC साहब और BMC साहब ने सब ने मिल के इसको रेगुलराइज करा दिया। मतलब आप गलती करिए, आप दिन में मर्डर करिए और शाम को आपको माफ़ कर दिया जाएगा। मतलब आप 10 साल तक चोरी करते रहिए। 2007 से यहाँ पर एंटीना लगाया गया है टावर, जिसकी कारण BMC जो अपने क्या कहते हैं इनको, हमारे जो बिल्डर साहब है
वो कमा रहे पैसे। 11 टावर थे, अभी कुछ कुल मिला के 8 या 6 हैं अभी, तो सारे कंट्रोल रूम बना गया। बाकायदा एक 10x12 का एक कमरा जैसा वहाँ पर एक मोबाइल स्टेशन जैसा बनाया गया है और वहाँ से इनकी इनकम डेली हो रही है। तो इसके कारण इनकम तो सर एक जगह है, जो आप पैसे कमा रहे हो उसकी बात अलग है, इसके कारण कई लोगों को जान के खतरा हो रहा है सर। टेली कम्युनिकेशन टावर रेडिएट्स और वहाँ पर बोर्ड लगाया गया हाई रेडिएशन एरिया, रेडिएशन हो रहा है। उसी के नीचे MC साहब हमारे मेहता साहब ने नीचे 10 मीटर के नीचे की दूरी पे स्कूल के परमिशन, दवाखाने के परमिशन सारे दे दिए, सारे रेगुलराइज कर दिए, क्योंकि उनको पता नहीं चला। बिल्डिंग प्रपोजल ने उनको बताया नहीं, स्क्रूटिनी रिपोर्ट में इसका कहीं जाहिर नहीं किया गया कि ऊपर टावर है, स्क्रूटिनी रिपोर्ट में कुछ इसका जिक्र नहीं है। तो ये मतलब किसी को गुमराह करके आप रातों रात परमिशन तो ले सकते पर अनदेखा कब तक होगा? सर जिस तरह से यहाँ ये बिल्डिंग को हमने अच्छी तरीके से भापा परखा और देखा, जिस तरह से नीचे जो बच्चों के नर्सरी है और बाजू में ही आपने कहा कि बच्चों के लिए मेडिकल सुविधा भी दी जाती है, लेकिन जिस तरह से मेडिकल के नाम पर और नर्सरी के नाम पर जो इन्होंने गोरख धंधा स्टार्ट किया है, इसके कोई लाइसेंस वगैरह बिल्डर को BMC की ओर से परमिशन दी गई है क्या? सर जहाँ तक मैंने RTI के दौरान सारे परमिशन निकाले, जो स्पेशल सेल है वो कहते हमने कोई परमिशन टावर के लिए नहीं दिया। इन्होंने अप्लाई किया था 2008 में तो कोई परमिशन नहीं दिया। 2007 से यहाँ पर BPL टावर्स था पहले, जो रिलायंस या लाइट वालों से पता चला है जिनके मीटर लगे थे। उसके बाद 2011 में वो टावर लूप टावर्स को गया, अब ATC टावर्स है जो इसको देखभाल कर रहा है और दूसरी कंपनी है रिलायंस जियो जो 2013 से चल रही है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 टावर ऊपर लगे पड़े हैं और BMC का जो रूल है 2013 चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट प्रपोजल के जो अधिकारी है उन्होंने सर्कुलर निकाला है कि अगर एक टावर ऊपर बिल्डिंग में है तो 100 मीटर की दूरी पर कोई स्कूल या कोई दवाखाना या कोई वृद्धशाला या कोई आश्रम होना चाहिए। यहाँ तो 15 से 20 मीटर के नीचे पे आपने ऊपर 8 टावर लगे हैं, नीचे हॉस्पिटल का परमिशन दे रहे हैं आप, और वहीं पर बाजी में स्कूल है जो 70-80 है। और वहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ, NOC तो फायर डिपार्टमेंट दे दिया उनको, पैसे देने पे सब काम हो जाता है, पर NOC देने के बाद आज तक वहाँ पर कोई फायर सिस्टम की कोई देखभाल नहीं है। न फायर सिस्टम लगे हैं, न स्प्रिंकलर्स लगे हैं। ये जो भी लगा है पाइप, लाल कलर के जो पाइप लगे हैं आज बाजू में, वो सिर्फ नाम के लिए किसी अधिकारी के कॉन्ट्रैक्टर है, उन्हीं ने लगाया है और कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जो आपने नोटिस बोर्ड में देखा होगा, जो अभी हाल ही में जो इंस्पेक्शन हुआ उसमें लिखा गया है कि कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है और इनको 30 दिन का नोटिस दिया गया था अप्रैल तक, ताकि सारे काम करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्डर को ये सारे सिस्टम 2000 में लगाने चाहिए थे। 2000 में CFO का नोटिस के हिसाब से ये 2000 में लगने चाहिए थे फायर सिस्टम, और आज 2018 हो गया। ये इसलिए लगे हैं कि 2016 को यहाँ पर आग लगी थी जिसके दौरान काफ़ी कुछ नुकसान हुआ, हमारे गाले में भी कुछ काफ़ी नुकसान हुआ था जल के। उसके बाद इनको नोटिस दिया गया बिल्डर को, तो बिल्डर ने कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं करता, जो करना कर लो। मतलब बिल्डर की दादागिरी चल रही है, वो कहता है मेरा काम है, मैं BMC को मैं चलाता हूँ, मैं BMC मेरे हाथ में है। जो आप देख सकते हैं कि 2010 से प्रॉपर्टी टैक्स 0 है, न पेनल्टी लगती है, और आज भी मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं भरा है। टावर के पैसे बगैर अनुमति के लगा रहे हैं, जो मनमानी चल रहा है। यहाँ सारे प्लान अप्रूव्ड नहीं है और वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैं इलीगल हूँ, जबकि मेरे पास सारे कागजात हैं सर। यहाँ पर मैंने 24 अप्रैल को सारे कागजात दिखाए हैं अपने के वार्ड ऑफिसर को, पर फिर भी आज हम खड़े हैं, कुछ 15 मई हो गया है, पर फिर भी नोटिस मेरे यहाँ पर लगा पड़ा है और अभी तक नहीं निकाला। सर क्या कारण है कि BMC अधिकारी आपको तरह तरह के यातनाएँ दे रहे हैं, तरह तरह के नोटिस चिपका, इसके पीछे की रंजिश का मकसद क्या हो सकता है? सर ये इसी के कारण सर कि मैंने BMC का भला किया और मुझे उनके बदले में वो जूते मार रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं क्यों आ रहे हो हमारे पास, क्यों हमको तंग कर रहे हो, अरे रहन दो अपनी ज़िंदगी जियो। कहते अगर वो कमा रहा कमाने दो, कमाने का मतलब ये एक तरीका उनके भी जेब भर रहे हैं। अब वो परेशान हो गए कि हमें सब इनकम बंद हो रही है। अब ये कारण देखिए ना सर, जब मैं उनसे कहता हूँ प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पे उनको कम से कम 12 लाख की इनकम हुई जो भी है, जब मैं 1,70,000 भर रहा हूँ तो बाजू वाले का भी इतना होना चाहिए, तो वो 10 साल से नहीं भरा उन्होंने, टावर के परमिशन नहीं लिए और उसके बदले में ये नोटिस दे रहे हैं। नोटिस के दौरान यही है कि मेरे को डिफेम करने का। अब मैं ये प्रॉपर्टी लीज दे रहा था, ये प्रॉपर्टी को मेरे को लीज का 2 लाख से 2,25,000 तक मिलना चाहिए, और आज इस नोटिस के कारण मेरे सारे, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बिकॉज सारे ब्रोकर सारे कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी तो इलीगल है। तो आज मार्केट में मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं बदनाम हो जाऊँ, क्योंकि मैंने BMC का भला किया, इसके बदले मुझे ये डिफेमेशन मिला है। सर ये आपने प्रॉपर्टी 2014 में जब खरीदी थी
किस बंदे से खरीदी थी और इसकी वैल्यू कितनी थी जब आपने इसको खरीदी? सर ये 2014 में मैंने एक कोई रविंदर सिंह सेट्टी था जो बैंक का डिफॉल्टर हो गया था, तो उनसे खरीदी थी और ये प्रॉपर्टी खरीदी 2,60,00,000 में। सर जिस समय आपने प्रॉपर्टी खरीदी उस समय इस प्रॉपर्टी की जो लेंथ थी यानी जो स्क्वायर फीट था कितने स्क्वायर फीट की जगह बेची गई थी आपको? जब मैंने लिया था सर इसका जो चेन ऑफ एग्रीमेंट है जो बिल्डर ने सेटी को भेजा था और सेटी ने मुझे बेचा और जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट बिल्डर ने दिया मुझे वो 2310 का है और जगह जो असली में है अंदर वो 2030 है, 280 स्क्वायर फीट की डेफिसिट है। इसी के कारण मैंने चीटिंग केस MIDC पुलिस स्टेशन में किया है, वहाँ भी बिल्डर ने अपना पंजा दिखा दिया और वो केस रुका गया है, अभी तक FIR नहीं लॉन्च हुआ उसका। सर क्या कारण है कि 280 स्क्वायर फीट आपको जो जगह कम दी गई है, 280 स्क्वायर फीट की कीमत कितनी लगती है मैक्सिमम? सर 280 स्क्वायर फीट की कीमत उस टाइम पर के करीब कुछ 50 के करीब होगी और अभी मार्केट वैल्यू तो अभी पता नहीं क्या है पर कुछ 50 के आसपास है उस टाइम पर। जिस तरह से आपको हर तरह से परेशान किया जा रहा है, बिल्डर के ओर से परेशान किया जा रहा है, DMC के ओर से परेशान किया जा रहा है, सर आपने इस को लेकर मुंबई के मेयर या मुंबई के आयुक्त से मिलने की कोशिश की? सर मुंबई कमिश्नर को कम से कम मैंने 18 से 20 मेल लिखे हुए हैं और अभी मैं हालांकि CBI PMO नरेंद्र मोदी सर को और उनको भी लिखा हूँ, उन्होंने भी इंक्वायरी भेजी है डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर यादव को और मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी कई बार मेल लिखा है। चीफ सेक्रेटरी ये मेल को मार्क करते हैं MC को पर MC इसके कोई जवाब नहीं देते, उन्होंने पूरे हर मेल को मेरे रद्द कर दिया है। आने वाले वक्त में अगर आपकी बातें मानी नहीं गई, आपको न्याय नहीं मिला तो आपका आगे का कदम क्या होगा? सर मैं रिट पिटीशन फाइल कर रहा हूँ BMC के अगेंस्ट क्योंकि मुझे ये जो है ये सरासर, एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं करप्शन फ्री इंडिया और यहाँ तो करप्शन के फीस है, आई एम सेइंग करप्शन के फीस है। जैसे कि आप 10 साल तक चोरी करिए, 10 साल तक मर्डर करिए, 10 साल के बाद आप एक दिन जाके रात को बैठिए और सारे आप रेगुलराइज कर लिए, MC साहब तैयार है, म्यूनसिपल कमिश्नर उसको कर सकते हैं रातों रात। यह थे दयानंद जोशी जी जो कि एक NRA है और उनका कहना है कि जिस तरह उन्हें परेशान और हरेशान किया जा रहा है वह एक तरह से मानसिक संतुलन भी अपना धीरे धीरे खोते हुए जा रहे हैं। कारण वह एक पायलट भी है और पायलट के होते हुए उन्हें जिस तरह से यहाँ परेशान किया जा रहा है यह एक चिंताजनक बात है। आने वाले दिनों में अब हमें देखना है कि BMC के कमिश्नर, BMC के मेयर इस पर क्या एक्शन लेते हैं। कैमरामैन युवराज के साथ विक्रम सिंह पुंडिर, SCN TV न्यूज़ अंधेरी।